इसी चुनाव के दिन सोमवार को परिषद के निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान पर हुए गोलाबारी हमले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सारण के डीआईजी रविंद्र कुमार ने मंगलवार को सिवान पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। और उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों पर सर प्राथमिकी दर्ज की गई है? सर 8 लोगों पर है। 8 लोगों पर सर, तो इस मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है और इसके लिए ही आए थे जी। और अब ये रामनवमी पर्व होना है तो रामनवमी की भी समीक्षा की गई है, कितना फोर्स वगैरह का जरूरत है, कहाँ पर कितना रामनवमी का जुलूस निकलता है, ये सब के लिए बात की गई है।